हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो गाइज, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो है ऐप स्टोर से फ्री फायर मैक्स जो गेम है वो रिमूव हो चुकी थी। इंडिया में जो है आप फ्री फायर नहीं खेल सकते हो, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इंडिया में रहकर भी अपने आईफोन से, आपके पास कोई भी आईफोन हो जिस फ़ोन में आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आप ये जो गेम से फ्री फायर जैसे कि मैं खेल रहा हूँ उसको आप जो है इंजॉय कर पाओगे बहुत ही आराम से। सो यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। जो है वीडियो लाइक बहुत कम लोग करते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ गाइस सच में वीडियो बनाने के लिए। सो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और नीचे कॉमेंट कर देंगे तो और भी मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि जो है अभी आप जो है फ्री फायर जो है अगर आप ऐप स्टोर में सर्च करते हो तो आपके फ़ोन में वो ऐप ही नहीं आती होगी, और भी अदर जो गेम्स हैं वो आ जाते होंगे, बट यहाँ पे फ्री फायर जो है वो नहीं आता होगा। आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें करनी है, और एक बात का ध्यान रखिएगा गाइज कि अगर आपकी एप्पल आईडी में, यानी कि आपके आईडी में अगर कुछ फंड पड़ा हुआ है, जो आपने पैसे रखे होंगे एप्पल आईडी में जिसको आप यूज़ करते हैं अपना कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए, सो उसको बैलेंस को यूज़ कर लीजिएगा पहले कहीं, उसके बाद ही ये सेटिंग कीजिएगा। और इस सेटिंग को करने के बाद आप जो है फ्री फायर को यूज़ कर सकते हैं। इस सेटिंग को करने में आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। ऐप में मैं आपको जो है बता दूँ, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो है ये गेम खेलने से पहले आप हो सके अगर पॉसिबल हो तो आप अपने आईफोन में जो है एक वीपीएन डाउनलोड कर लीजिए, बैकग्राउंड में चलता रहेगा और भी थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी हो जाएगी। और ये देखिए फ्री फायर मैक्स जो है मेरे फ़ोन में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने जो है ऐप स्टोर में जाना है। ऐप स्टोर में जाने के बाद गाइज आप किसी दूसरी कंट्री का प्रॉपर एड्रेस डाल दीजिए। अभी किसी दूसरी जो है कंट्री का प्रॉपर एड्रेस कैसे लेंगे, इसके लिए जाना है आपको गूगल पे, और गूगल पे जो है आप सर्च कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एप्पल स्टोर एड्रेस इन श्रीलंका। अब सेम जो है टाइप करके एप्पल स्टोर एड्रेस इन US, जहाँ पे भी ये ऐप चल रही हो, सो आप उस जो है दुकान का कहीं का भी एड्रेस लेके जो है वहाँ पे आप सेव कर दीजिए ऐप स्टोर में। सो ये चीज़ जो है आप कर पाओगे उन सभी ऐप्स के लिए जो ऐप्स जो है, जैसे इंडिया में कोई भी ऐप जो है बैन है, अभी वो ऐप जो है चल रही है मान लीजिए US में चल रही है, तो US का एड्रेस जो है चेंज करके आप जो है डाल दीजिए और उस ऐप को इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद में आपको जो सबसे मेन और ज़रूरी चीज़ है, अगर वो आप नहीं करोगे तो आपका काम नहीं होगा, वो क्या है, आपको जाना है आपके फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद ज़्यादा जनरल में, और जनरल में जाने के बाद आपको एक जो है ऑप्शन मिल जाएगा लैंग्वेज एंड यहाँ पे जो है रीजन का, तो यहाँ पे आपको जो है चेंज करना है। यहाँ पे रीजन में जाके उस कंट्री को डालना है जिस कंट्री का प्रॉपर एड्रेस आपने ऐप स्टोर में डाला हुआ था। सो वो जो है कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने श्रीलंका डाला हुआ है तो यहाँ पे श्रीलंका मैंने कर दिया है, और ऐप स्टोर में जाके वहाँ पे श्रीलंका का किसी भी घर का, दुकान का, कहीं का भी एक एड्रेस डाल दीजिए, किसी का भी कोई भी, वहीं का किसी का फ़ोन नंबर डाल दीजिए। अभी फ़ोन नंबर आपको अगर नहीं मिल रहा हो तो वहीं पे जो लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही का वही जो है आप टाइप कर दीजिए। सो इस तरह से आप जो है कोई भी ऐप्स को, किसी भी गेम को इंस्टॉल कर पाओगे और यूज़ कर पाओगे। सो यहाँ पे मैं फ्री फायर जो है काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। और जब अपडेट आता है फ्री फायर वगैरह में तो उसके बाद आपको फिर से ये सेम चीज़ रिपीट करनी होती है, क्योंकि कुछ सारी चेंजेस जो है वो हो जाती हैं। अगर आपका कुछ काम जो है अपडेट के बाद ना हो रहा हो, जैसे आपकी ऐप डाउनलोड हो गई है आप यूज़ कर पा रहे हो बट 3-4 दिन के बाद आपको पता चलता है उसमें कोई अपडेट आया है और आप फिर से प्रॉब्लम में फंस गए हैं, सो आप प्लीज़ जो है इस बारे में नीचे कमेंट कीजिए कि मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी इस फ़ोन में भी अपडेट आया था, मतलब फ्री फायर मैक्स में एक अपडेट आया था 16 तारीख को, सो वो आज अपडेट किया है मैंने, उसके बाद जो है 4 दिन के बाद मैं फ़ोन में जो है ये गेम यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए कि इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके माइंड में कोई और सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं सो वो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। सो आपके पास कोई भी आईफोन है उस पर कोई अपडेट्स वगैरह आते हैं सो मैं आपको बताता रहता हूँ ये भी कि कौन सा अपडेट अच्छा है, किस फ़ोन में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि आपको ऐसे ही कमाल की वीडियोस मिलती रहें। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।